हाँ ये देख रहे थे, ये देखना है इसके पत्ते कुछ चुमाने से हो गए हैं। हाँ ये इनको क्योंकि हाथ ये ना सीन लगाओ। नहीं होता, ये कल हवा लगती रही ना रक्षे पे, हाँ इसी वजह से हैं। बाकी अब मसल सीधे हो गए हैं सारे। फल लगेगा ना तो फिर छुप छुप खाएंगे, खाएंगे। और नहीं, नहीं तो हाँ, अब तो बैठे हो गए। हम नहीं खाएंगे, सबसे पहले जो भी फ्रूट लगेंगे ना। मेरी बात सुनो, मैं इस बाग का माली हूँ। अगर किसी ने इसमें टांग भी रखी ना, पैर रखा, मैं तोड़ दूंगा उसका पैर। नहीं रखी आप है। देखते रहेंगे हम, कहेंगे अबू हम फ्रूट तोड़ के आ गए खाने, तो वो ले आएंगे यहाँ पर सजाएंगे। हाँ जी, अभी जी आम का पौधा लग गया और इसको जो है ना अभी मिट्टी डाल रहे हैं, ये मजबूत होगा। एक पौधा लगा था, अब देखिए माशाल्लाह, एक दो तीन चार पाँच, तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाम का वक्त हो गया है, अभी इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, और वो पौधे जो लाए थे वो सूख ना जाए, इसलिए अब वो अभी शुरू कर रहे हैं उन्हें लगाना। इंशाल्लाह आज ही लगाएंगे, कलर करके ना फिर इंशाल्लाह वो सूखने से भी बच जाएंगे, महफूज रहेंगे। और ये देखे खड्डे टोए भी मारे जा रहे हैं। अबू है, सेब है, मुनीब है, कमरान है, ये सब जो है ना पौधे लगवा रहे हैं। पहले ये टोए मारेंगे, फिर इनको जो है अंदर रख देंगे पौधे, क्योंकि ये सेटिंग जो है ना बहुत अच्छी है। अबू ने खुद किया सेटिंग, एक जो है इधर लगेगा तो दूसरा उसके सामने नहीं, थोड़ा सा इधर, फिर तीसरा उससे थोड़ा इधर। ये जो है ना बहुत अच्छी सेटिंग बनती है, तो अभी लगाना शुरू कर रहे हैं। आम का पौधा जी सबसे पहले फ्रंट पे, ये आ गया जी आम सबसे पहले फ्रंट पे। आम ये मतलब हमारा गार्डन बन रहा है। अब आप गार्डन अपनी आंखों से देख ले कैसे बनता है। हसीब रंबा छुरी ले आओ, वो उधर होगा छोटे बॉक्स में। छुरी यहाँ, इनसे पूछो सब्जी वगैरह काटती है। ये इसको फालना पड़ेगा या बोरा? हाँ ये बोरा निकालना पड़ेगा, ये रस्सियाँ बांधी हुई है ना। हाँ ये रस्सियाँ काट के नीचे काट देंगे फिर पड़ेगा। चलो माशाल्लाह से देखें दीवार के कितने ऊपर से ये है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े पौधे लिए हैं ताकि ये सूखे ना, बड़े पौधे निकल जाते हैं ऊपर, बकरियाँ वगैरह भी नहीं खा सकती। हाँ बकरियों से एहतियात मुनीब, ये गेट नहीं खोलना चाहिए बड़ा, सीधी इधर आती है बकरियाँ जब गेट खुलता है। हंसता है। चलो जी रंबा भी आ गया, छुरे भी आ गए, छुरे बड़े ले आते हैं। चलो जी दे दे, काटना है, मैं समझा शायद खुदाई करनी है। देख लो। हाँ जी कितना टोया हमारा है, ये तकरीबन उस हिसाब से तो अभी कम है जैसे आप वो लगा रहे हैं। ये बड़ा पौधा है ना। अच्छा तो इधर इस जगह पे कौन सा लगाएंगे? उधर लगाएंगे अमरूद। हाँ ये ठीक है, अमरूद का छोटा है ना वो, ठीक है। हाँ जी अम्मी गार्डन बन रहा है आपका। फिर वो ना आज पूछा है, अबू बता रहे थे कि वो जो होती है ना बूटियाँ वगैरह फूलों वाली, वो अब कहते हैं अभी नहीं आई, वो आएंगे जो 12 महीने फूल उठाती रहती हैं, तो वो ले आएंगे यहाँ पर सजाएंगे। हाँ जी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आ जाएंगे यार, आठ आ जाएंगे। आप ना इससे थोड़ा सा इधर लगाओ, जहाँ ये असद खड़ा है ना इस पर लगाओ, ये यहीं पर, नहीं 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 बराबर नहीं, थोड़ा इधर। चल
टेप लगा दो। ज्यादा इधर ना करो, थोड़ा सा पीछे की तरफ करो। हाँ अब सही है वो जी। कल में होना ना एक नीचे आ जाते, फिर दूसरे पौधे का ऊपर से दबाव दे देते हैं। नहीं ऊपर तो नहीं जाते ना, अगर देसी हो तो ऊपर जाता है, कल में आम जो नीचे आता है लड़िया काटे जमीन पर बैठ। अच्छा ऐसे ओ खिलर जाता है मतलब। ये पौधे दूसरे के ऊपर ना आ जाए। नहीं नहीं इतना फासला है, देखे ये ऊपर जाएगा जब छोटा पौधा लगाएंगे। अभी जी आम का पौधा लग गया और इसको जो है ना अभी मिट्टी डाल रहे हैं, ये मजबूत होगा और इसका टोया ऐसे रहने देंगे ताकि पानी वगैरह। हाँ जी इतना एक रहने देंगे पानी वगैरह डालने के लिए, पानी होने दे साथ। हाँ जी ये ताजे डालने होते हैं पानी भी, वो डालना है पानी मीठे वाला, नलके वाला मीठा नहीं, वो डालना है। नहीं मोटर वाला करवा है, इसको इसको मीठा पानी मिलेगा तो ये होते हैं। नलके वाला भी मीठा है, मोटर वाला भी पी रहे हैं। ये नलके वाला चेक कर लेना दो तीन दिन इनको डाल के, फिर देखें इसके शाखें होती है तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि वो डालते हैं पहले जो तीन इतना बकेर वो भी ऐसे कड़वे पानी में सूख गए, तो ये शायद मीठे पानी में होते हैं। हसीब पुत्तर सियाना पुत्तर क्या देख रही हो, आम लग रहे हैं, कैसे लगते हैं सोने? चलो जी वो जो है अमरूद वाला, इंशाल्लाह जी ये सारे लग जाए तो इंशाल्लाह आपको विजिट करवाते हैं फिर। माशाल्लाह फरमान भाई भी आ गए हैं। हाँ अबू जी लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो देखें। हाँ वो पहले दिखाया था एक पौधा लगा था, अब देखे माशाल्लाह एक दो तीन चार पाँच छ सात, सातवां लग रहा है, आठवां लगेगा तो दिखाएंगे ना। चलो आठ पौधे पूरे लग जाएंगे अभी, सात लगने वाले हैं एक रहता है बाकी, तो चलो ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अल्लाह पाक उन खाला को सलामत रखे, खुश रखे। ये अभी ए बूटो पर उनका नाम नजर आ रहा है मुझे, खेल रहे हैं पौधे भी, वो भी खेल रहे हैं। हाँ जी चलो हमारा गार्डन भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता साज जाएगा मुकम्मल इंशाल्लाह। और कभी भी लाइफ में कभी भी हमने गार्डन नहीं बनाया, ये पहली बार बना रहे हैं। जगह लगेगी है। चलो वो कहते हैं ना हमारी मेहनत रंग लाई, सारे पीले लाल चिट्टे है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी वो देखे माल्टा, और ये एक माल्टा ये है, एक ये है, दो ये भी रखा हुआ है, ये लगाना है दो, और वो एक लगा हुआ है आम के पीछे तीन, और ये एक माल्टा चार। मालते खूबसूरत लग रहे हैं, पानी दिया करेंगे ये हो जाएगा। चलो इनको दे दिया पानी सबको। मुनीब मेहनत कर रहा है, देखें मुनीब तो ऐसे मार रहा है। हाँ जी मुनीब पुत्तर कैसे तबीयत है, मौजा? आप तो बाबा बड़े पौधे सदे लगाए जा रहे हैं, फल खाओगे? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी फरमान भाई। हाँ जी माशाल्लाह फैमिली गार्डन देखने आई है। हाँ ये देख रहे थे, ये देखना है इसके पत्ते कुछ कुमाने से हो गए हैं। ये इनको हाथ ना लगाओ, ये कल हवा लगती रही ना रक्षे पे। हाँ इसी वजह से हैं, बाकी अब माशाल्लाह सीधे हो गए हैं सारे। हाँ इंशाल्लाह न्यू पत्ते निकालेंगे, ये देखिए न्यू पत्ते भी निकाल रहे हैं।
माशाल्लाह ये नहीं सूखेंगे अल्लाह के फजल करम से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हो गए, सबकी बहन भाइयों की दुआएं हैं इनके साथ। माशाल्लाह तरोताजा लग रहे हैं, जैसे कल थे वैसे ही नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह रौनक में आ गए हैं, कल अच्छे के धक्के खाते रहे ना तो कुछ कमजोर लग रहे थे, लेकिन आज माशाल्लाह सब सीधे आ गए। देखे ये टहनिया बिल्कुल सीधी हो गई, कल ये बिल्कुल ऐसे ही खड़ी थी और वहाँ फिर ऐसे गमलों में रखी हुई थी ना, तो इधर तो देखे पानी खड्डा जमीन के अंदर आ गए। आप ये होशियार होंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छा गार्डन हमारा सज गया है। हाँ। और लाइन में पौधे जब होंगे तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगेंगे। अब देखिए ये भी न्यू पत्ते हैं। क्या ये बात होगी, कौन से न्यू पत्ते हैं? ये वाले, ये देखिए बिल्कुल छोटे हैं। हाँ ये साहब जो है ना ये न्यू पत्ते निकालेंगे, और आपका जो है कुछ वो क्या कहते हैं हौसला हौसला बढ़ जाएगा। फल लगेगा ना तो फिर छुप छुप खाएंगे। नहीं, बैठे होंगे, हम नहीं खाएंगे। सबसे पहले जो भी फ्रूट लगेंगे ना गरीबों में तकसीम करेंगे, बाद में हम खाएंगे। हाँ ये बात भी ठीक है। अब वो बैठे की बात लग रही है, समझ पता लग रही है, ये बेरी है ना बेरी। इतने इतने से बेर होते हैं शुरू कर देते हैं, पकने नहीं देते इसको। मुझे पता है ये भी ऐसे ही होगा। नहीं अब बेरी, जब बेर थी ना वो छोटी छोटी सी थी, कच्ची थी। जब मैं वही दवाई लेने गई थी, जब वापस आए तो सुना कि बेर खत्म हो गई या कहीं की बेर तुम तो अफसोस करती रही। मैंने सोच रही थी कि गरीबों को अगर हम तोड़ के ना पहले पहले गरीबों को दे देते, वो तो खत्म हो गए थे। गरीबों ने भी खाया, अमीरों ने भी खाया, पता है हम साए भी। अब मेरी बात सुनो, मैं इस बाग का माली हूँ। अगर किसी ने इसमें टांग भी रखी ना, पैर रखा, मैं तोड़ दूंगा उसका पैर। नहीं अब देखते रहेंगे, हम कहेंगे अब हम रूट तोड़ के आ गए खाने हैं। वो ऐसा करेंगे, भूख कोई चीज अगर लगेगी फल पक जाएगा। हाँ। वो उसे तोड़ के ना फिर घर वालों को बुलाएंगे, फिर दो बंदों को ना वो देंगे, ये आधा आधा आपका, बाकी और पकेंगे वो और बंदों को देंगे। बोलेंगे मुनीब कामरान हसीब ऊपर चढ़ जाओ, वो देखिए वो वाला। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी सोचें पूरी, जिंदगी रखे अल्लाह पाक, तो ये आपकी जिंदगी हम देखेंगे। तो मैं आपको बता रहा था इस पौधों के मुतालिक भी बात थी, आपकी बहन और भाई है अमेरिका से, शहदा रहमान और फजल रहमान। नाम उन्होंने बार बार बताया, फिर भी भूल जाता हूँ। तो वो सलाम कह रहे थे, वालेकुम अस्सलाम। तो उन्होंने कहा था कि ये जो पौधे लगाए हैं मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, और आप ना एक नींबू का भी पौधा ले आना तो लाजमी। वो भी लगाना, और इसके नीचे जो है वो गोबर भी डालें ताकि ये जल्दी फलदार हो जाए। गोबर अभी नहीं डालना, ये जब फूटेंगे ना अभी जमीन में लग जाएंगे। हाँ। फिर गोबर असर करेगी, क्योंकि अभी अभी डालते हैं तो फिर ये सूखने का खतरा होता है। हाँ, बस उनको यही मालूम था जितना उन्होंने बताया कि गोबर भी डालें तो ये जल्दी फलदार हो जाए। वैसे नींबू का पौधा जो है ना वो हमने सोचा हुआ है, वो जगह रखी है मेरे के साथ। हाँ। उधर लगाएंगे जी। उन्होंने बोला है कि नींबू का पौधा जब ले आए उन्हें बोलना कि सर्दियों में भी हो गर्मी में भी हो 12 महीने जो चलता है चाइना वाला कहते हैं उसे, वो बेहतरीन होता है। हाँ जी वही हो। उन्होंने बोला है कि मैंने भी लगाया है, वो तो हमारे तो छोटा सा कंसर्न था, और हमने ना ऊपर छत पे लगाया हुआ था गमलियों में, वो इतना मोटे मोटे से नींबू उठाए हुए थे। हाँ वो पाकिस्तान में उनका घर था तो लगाया हुआ था उन्होंने। हाँ चलो ये अब आपको सलाम भी मिल गया। वो कहते थे भाई हमारा नाम नहीं लेते। उन्हीं का नाम ही लेते हैं, नाम नहीं लेते, लेकिन उनके लिए दुआएं तो करते हैं। कल आपके लिए आप लोगों का ही है। उनके लिए सारा दुआएं करते रहे हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। आमीन। बस उनके लिए दुआएं करते हैं, याद करते हैं। बाकी नाम जो है वीडियो में हमें पता ही नहीं था कि उनका नाम लेना है नहीं लेना है। कोई बंदे कहते हैं हमारा नाम शो नहीं करना, तो इसीलिए हम नाम नहीं लेते थे। और हमें खास तौर पर ये बताएं कि हमें नाम का पता ही नहीं था, मुझे भूल गए थे। आप कहते थे हमारे अंकल हैं आंटी हैं, मैं कहता था मेरे भाई हैं बहन हैं। हाँ। तो नाम का पता नहीं था, तो आज इंदा इंशाल्लाह जो भी होगा नाम लेंगे। आपके भाई का नाम फजल रहमान। हाँ और मुझे याद है, मेरे दिल में लिखा गया है, मेरे हर बहन भाई का नाम मेरे दिल में लिखा जाता है। चलो सही है। अच्छा तो मुझे ये तो बताए कि ये फल जब उठाएंगे ना कौन से, मतलब पहले उठाएंगे कौन से बाद में? जब फल उठाएंगे फिर देखेंगे कौन सा पहले उठाता है। वैसे
उम्मीद तो है कि ये जो किन्नू है ये सबसे पहले ये बड़े बड़े है ना, ये ना मौसम के तरतीब से बताए ना, मतलब आम पहले होता है या माल्टे पहले होता है ये पूछ रहा हूँ। आम तो अभी अपना जो है फल उठाएंगे इस मौसम में, आम भी किन्नू भी ये फल उठा रहे हैं, फल उठा रहे हैं, अमरूद भी हर चीज ये जो है ना ये फल उठा रही है इस मौसम में, इस मौसम में फल उठाते हैं। लेकिन ये तरतीब है कि कोई पहले पक जाता है कोई बाद में पकता है, तो इसी तरतीब से कोई मिसाल तौर पे 6 महीने लग जाते हैं किसी को पकने में, किसी को 2 महीने लग जाते हैं, किसी को 3 महीने लग जाते हैं, फिर बारी बारी वो पकते रहते हैं फल। इस टाइम ये किन्नू भी उठा रहे हैं, आम भी उठा रहे हैं, अमरूद कुछ लेट उठाएंगे। ये जो है ना 6-6 माह बाद होते हैं ना फ्रूट, कुछ 6 महीने नहीं होते, कोई साल 6 महीने कोई 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद एक की सीजन खत्म होता है दूसरा शुरू होता है। अभी किन्नू माते का आपको पता है सीजन खत्म हुआ, अभी वो फिर फल उठा रहा है, कितने महीने गुजरे? बस वो 1-2 महीने ही हुए। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है ना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। अभी आम आएगा, 2 महीने बाद आम आ जाएगा, आम के बाद फिर खजूरें आती हैं, खजूरों के बाद फिर ऐसे अमरूद वगैरह ये हो गए, ये फिर किन्नू आ जाते हैं, जैसे जैसे फलों के मौसम आती रहती है वो आ जाते हैं। ये तरतीब हम डेट नहीं लिख के दे सकते कि किस डेट को आएंगे। अम्मी नहीं आई, खुशी का इजहार कर ले, वो काम कर रही है। अम्मी आज अपने रूम को सजा रही है। माशाल्लाह, चलो जी घर में पौधे लगाए हैं, आप सब ने बताना है कि अच्छा किया है या फिर भी अच्छा किया है। तो काफ़ी बहन भाइयों की ख्वाहिश थी यहाँ पर गार्डन बनाए। और ये जिन्होंने लगवाया है वो है हमारे यूके से अम्मी और अब्बू मोहम्मद खालिद और उनकी घर वाली, तो उन्होंने उनकी तरफ से ये लगाए गए हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक उन्हें जजाए खैर दे, आमीन, खुश रखे, आमीन। बहुत खुशी हुई है, उन्होंने कल से पता नहीं वीडियो देखी कि नहीं देखी, हमने तो कल से दिखा दिए लेकिन उनकी कोई वॉइस वगैरह नहीं आई अभी तक, तो इंशाल्लाह वो बताएंगे जब भी देखेंगे आपकी वाली वीडियो देख लेंगे कि हमने पौधे देखते तो सारे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत खुश होंगे क्योंकि उनके कहने से हमने 4 गुना ज्यादा पौधे लिए। हाँ जी, तो अल्लाह पाक उन्हें भी खुश रखे, आबाद रखे, तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। दुआ करते हैं उनके लिए, मेरे बहन भाई वो बीमार रहते हैं, सब बहन भाई भी उनके लिए रिक्वेस्ट है कि दुआ करें, तो हम भी दुआ करते हैं हर वक्त अल्लाह पाक उन्हें सेहत। आमीन। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।